शिलांग की महिला कार्यकर्ताओं ने खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट खासी सोशल कस्टम ऑफ लाइनेज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2018 को मंजूरी नहीं देने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस बिल के जरिए गैर खासी व्यक्ति से विवाह करने वाली खासी महिलाओं को बहिष्कृत करने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में मेघालय राज्य महिला आयोग के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बिल का जहां कुछ लोगों ने स्वागत किया है, वहीं लिंग भेद पर आधारित बिल का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इधर सत्तारूढ़ खासी हिल्स डेमोक्रेटिक अलायंस नेत कार्यकारी समिति ने उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टिंगसॉन से मुलाकात कर राज्य सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। I can't say right now anything on this until we receive the copy from the governor, where he, if he instructed the government to examine all these issues, then only we will be able to do that. On many points, on points of law and points of constitution. In the constitution, it is clearly laid out that we can marry the person of our choice. You know, that freedom implies that when we marry somebody of our choice, nobody can put a rider and say, you can marry, but, you know, you lose this. It doesn't come like that. The right to life is also the right to have choices. उदयपुर में रविंद्र संघ का पंडाल बनाते समय देवी शीतला की प्राचीन मूर्ति बरामद हुई है। यह मूर्ति फिलहाल सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस साल रविंद्र संघ ने 15 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान 50 फीट ऊंची मां दुर्गा की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे में पंडाल की नींव डालते समय श्रमिकों को जमीन में दबी हुई शीतला माता की प्राचीन मूर्ति मिली। यह जगह उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर के समीप है। कुछ साल पहले भी जगन्नाथ सरोवर का एक कोना साफ करते वक्त भी इसके किनारे मंदिर के आकार की वस्तु मिली थी। চলে গিয়ে আমরা তো এবার বিরাট বড় একটা প্রতিমার একটা আয়োজন করছি মা দুর্গার। এবার করতে গিয়া আমাদের মূর্তিটা 40 ফুট থেকে 45 ফুট উঁচা। এটা করতে গেলে আমরা ড্যাপ নিচে অনেকটা ইয়ে করতে হবে, ফাউন্ডেশন দিতে হবে। ফাউন্ডেশন দেওয়ার জন্য যখন আসমি কলম দেবো, তো এটা দেওয়ার জন্য গিয়ে মাটি করতে গিয়ে পাওয়া গেছে আর কি একটা শীত মাম। मिजोरम राज्य पशु चिकित्सालय विभाग के रिकॉर्ड्स के मुताबिक चालू साल के मार्च महीने से जुलाई महीने तक 3,168 सुअरों की मौत हुई है। ये मौतें पोर्सिलिन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और क्लासिकल स्वाइन फ्लू की वजह से हुई। मार्च महीने से जुलाई महीने तक 620 सुअरों के खून के नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 349 में पोर्सिलिन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और 277 सुअरों में क्लासिकल स्वाइन फीवर पाया गया। मिजोरम पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के उप निदेशक के लाल रोहलुना के मुताबिक वर्ष 2013 में पोर्सिलिन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के पहले मामले के बाद विभाग ने राज्य में बीमारी पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए थे। इस बीच केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने मारे गए सुअरों के मालिकों को प्रति सुअर 1,000 रुपए का मुआवजा दिया है, लेकिन सुअर पालने वाले इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह रकम काफी कम है। खोआ
चम्पाई जिले के अंतर्गत कल्याणपुर में आगामी पंचायत उपचुनाव के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बीडीओ गोविंद देव वर्मा, एआरओ देवजानी बोसुरॉय और एआरओ रणविजय देव वर्मा ने प्रशिक्षण प्रदान किया। जल्द ही मतदाता सूची भी प्रकाशित हो जाएगी। ইলেকশন 2018 এক তারিখ যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতে চলেছে সেই উপলক্ষে 39 জন ডিও নিয়োগ করা হয়েছে কল্যাণপুর আইটি ব্লকে বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সিতে। তারা বিভিন্ন ধরনের ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলে বিভিন্ন ধরনের যে গেমস অবজেকশনের উপরে বিভিন্ন ধরনের ফর্ম ওরা রিসিভ করবে।